पिछला लोकसभा इलेक्शन आपको याद तो होगा ही, और फिलहाल यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। और जैसे इलेक्शन की बात हुई, यह पीली साड़ी वाली महिला एक बार फिर से वायरल हो गई है। आपकी स्क्रीन पे चल रही महिला की तस्वीर किसी हीरोइन की नहीं है, यह तस्वीर है उत्तर प्रदेश के PWD विभाग में कलर्क के पद पर काम करने वाली रीना द्विवेदी की, जो कि अपने वायरल फोटोज के कारण सोशल मीडिया पर रातों रात सेलिब्रिटी बन गई थी। जी हाँ, पिछले लोकसभा इलेक्शन में जब सोशल मीडिया पर पीली साड़ी में एक महिला इलेक्शन अधिकारी की तस्वीरें वायरल हुई तो हर कोई उस महिला के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठा। फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 को लेकर सियासी पारा धीरे धीरे गर्म हो रहा है, रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी है। इसी चुनावी माहौल में पीली साड़ी वाली महिला इलेक्शन अधिकारी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। लोकसभा इलेक्शन में सुर्खियां बटोरने वाली रीना द्विवेदी आगामी यूपी इलेक्शन में नए अंदाज में नजर आने वाली है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर राज्य इलेक्शन उन्हें मौका देगा तो वह ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोट डालने के लिए जरूर जागरूक करेंगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा इलेक्शन 2019 में इलेक्शन ड्यूटी के दौरान पीली साड़ी वाली महिला अफसर के नाम से मशहूर हुई रीना द्विवेदी है, वो लखनऊ की रहने वाली है। रीना के पति का साल 2013 में बीमारी के कारण निधन हो गया था। साल 2004 में उनकी शादी PWD विभाग में काम करने वाले संजय द्विवेदी से हुई थी। उस वक्त रीना के पति सोनभद्र में तैनात थे। रीना द्विवेदी एक बेटे की माँ है, लेकिन उनकी फिटनेस से उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लोकसभा इलेक्शन के दौरान 5 मई 2019 को क्लिक की गई रीना द्विवेदी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। रीना द्विवेदी लखनऊ के नगराम में बूथ नंबर 173 पर थी। वह इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची थी। जब वह अपनी टीम के साथ EVM लेकर लौट रही थी, तभी किसी पत्रकार ने उनकी तस्वीरें खींच ली और उसके बाद रीना द्विवेदी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। फिलहाल रीना द्विवेदी अब सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है। इंस्टाग्राम पे उनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी फोटोज वीडियो को काफी लोग पसंद करते हैं। रीना को बचपन से ही फिट रहने का शौक था। रीना कहती हैं कि वो हमेशा ड्रेस का सिलेक्शन सोच समझ कर करती है, जिसमें वो खूबसूरत नजर आए। रीना आगे कहती हैं कि 2019 लोकसभा इलेक्शन हो या यूपी इलेक्शन, हमारी जिस भी बूथ पे ड्यूटी लगती वहाँ पे मतदान प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। उन्होंने कहा कि वह जिस भी पोलिंग स्टेशन पे रहती है वहाँ कतारें लग जाती है। रीना ने कहा कि इलेक्शन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। रीना ने बातचीत में बताया कि इससे पहले 2014 में भी उनकी फोटोज वायरल हो चुके हैं, हालांकि तब इतनी बड़ी संख्या में फोटोज शेयर नहीं किए गए थे। इसके साथ ही साड़ी को लेकर वो कहती है कि उन्हें पारंपरिक वेशभूषा यानी साड़ी पहनना काफी पसंद है। ऐसे में उन्हें अच्छा लगा है कि लोगों को उनके ड्रेसिंग स्टाइल पसंद आया। वही सोशल मीडिया पर वायरल होने पर उन्होंने कहा, मैं तो पारंपरिक ड्रेस पहन कर गई थी, स्टाइलिस्ट लोगों ने समझ लिया। दरअसल रीना जितनी फैशन प्रेमी है उतना ही सामाजिक सरोकार का भी ख्याल रखती है। रीना ने कैंट विधानसभा उपचुनाव में लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान करने की भी अपील की थी। बता दें कि रीना द्विवेदी लखनऊ के PWD विभाग में कलर्क के पद पे तैनात है। रीना द्विवेदी एक बेटे की माँ है, लेकिन अपने फिटनेस को लेकर वो हमेशा सजग रहती है। रीना बताती है कि बचपन से ही उन्हें अपने आप को फिट रखने का शौक था। उन्हें फोटो सेशन करवाना भी पसंद है। वो कहती है कि पहनावों को लेकर भी वो काफ़ी चूजी हैं। हमेशा ड्रेस कोड का सिलेक्शन सोच समझ कर करती है, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत नजर आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे पेज पर पहली बार आए हैं तो हमारे पेज को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।